अधिकारियों के सुस्त रवैये के चलते बीबीएन में फिर से स्नैचिंग ग्रोह सक्रिय हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में बीते दिन वीरवार को करीबन 1:45 पर मोबाइल कंपनी के लिए कलेक्शन करने गए गुरसेवक निवासी मणिमाजरा से नालागढ़ के राजपुरा मार्ग पर सुनसान रास्ते का फायदा उठाकर दो बाइक सवारों ने गुरसेवक से तकरीबन 4,64,500 रुपए से भरा बैग छीन कर फरार हो गए। वहीं इस वारदात के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि अभी नालागढ़ का मामला शांत ही नहीं हुआ कि बद्दी के अंदर तीन अलग अलग जगहों पर दो बाइक सवारों ने राहगीरों के हाथों से मोबाइल छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ जी, मैं सैयद जाबिर, वार्ड नंबर 1 आटा चक्की वाले रोड, जो सब्जी मंडी वाली की जाती है ना, तो मैं वहाँ से रूम से निकल रहा था तो मेरे कान में मोबाइल लगा हुआ था, तो दो बंदे बाइक से आए, वो मेरे कानों से छीन के ले गए मोबाइल। और जब मैं उनको काफ़ी देर उनके पीछे दौड़ता रहा, फिर वो मिले नहीं मेरे को। फिर मैंने कुछ बंदे इकट्ठे किए, इकट्ठे करने के बाद फिर मैं थाने में गया था, वहाँ पे रिपोर्ट करा के आया। जब सुबह गया तो मेरे को रिपोर्ट की रिसीविंग नहीं मिली, और दो बंदे और भी थे जिनके मोबाइल गुम हो गई है, जो उन्होंने भी, उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे भी 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे को सरकार से ये निवेदन है कि जो मेरे साथ जो हुआ, आगे किसी और के साथ ना हो, इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। कल मेरे साथ राजपुरा रोड पे लूट हुई है 4,64,500 की, अभी तक इसमें पुलिस की तरफ से कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी यही विनती है कि मेरी कार्रवाई जल्द से जल्द हो और ये बंदे पकड़े जाए जिन्होंने मेरे साथ लूट की है। गुरसेवक नामक व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया गया है कि जब वो ढेरों वाले एरिया में दुकानदारों से कैश लेकर बद्दी की तरफ आ रहा था तो पीछे से दो मोटरसाइकिल सवार आए और उसका बैग छीन कर ले गए जिसमें कुछ नकदी थी। इसमें हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और जिसका अन्वेषण जारी है। झपटामारों को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।